नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से। बस्ताड़ा टोल टैक्स से जहां पर आप देख सकते हैं कि बस्ताड़ा टोल टैक्स पर एक बार फिर से हजारों की संख्या में जो किसान है यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं। लगातार जो किसान है रागनी के माध्यम से अपने किसान भाइयों का दिल रिझाते हुए नजर आ रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां ट्रैक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं। रविवार का दिन है और बड़ी संख्या में जो किसान है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ट्रैक्टर लेकर, अपने अपने वाहन लेकर, और किस तरह से बड़ी संख्या में एक बार फिर से किसान यहाँ पर जुट गए। हालांकि दो दिन पहले जो हालात थे वो काफी ज्यादा विपरीत थे। लगभग 600 के आसपास पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस अधिकारी ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर किसानों को जुटने नहीं देंगे और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज किसान एक बार फिर से जुट गए, यानी कि एक बार फिर से जो किसान आंदोलन है कहीं ना कहीं अपने पांव जमाता हुआ नजर आ रहा है, रंग जमाता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीर इस समय करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से आप देख रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में किसान एक बार फिर से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो नजर आ रही हैं और हजारों की संख्या में जो किसान है वो यहां पर जुटते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की ओर से आप देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक बार लग रहा था कि जो किसान आंदोलन है कहीं ना कहीं कम हो रहा है, लेकिन अब जो किसान आंदोलन है उसमें एक बार फिर से जान फूंकती हुई नजर आ रही है और बड़ी संख्या में जो किसानों की उपस्थिति है वो ये दिखा रही है कि अभी भी किसानों का जो जोश है कहीं ना कहीं ठंडा नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से जो किसान है अपनी अपनी मांगों को लेकर फिलहाल डटे हुए हैं। अब से कुछ ही सेकंड में जुड़ेंगे यहाँ पर जो किसान है उनके साथ, किसान नेता है उनके साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि आज एक और मैं आपको बता दूं कि बात कही गई थी कि यहां पर आज किया जाएगा अनशन, क्या अनशन शुरू कर दिया गया है ये भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। तो जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान है यहाँ पर डटे हुए हैं, कुछ किसान यहाँ पर अनशन पर भी बैठे हुए हैं और संदेश ये देने की कोशिश की जा रही है कि दबाएं कितना भी लेकिन हम दबने वाले और झुकने वाले नहीं है। हमारे साथ जेपी शेखपुरा हैं जिनको पिछले दिनों धमकी भी मिली थी क्योंकि किसानों का साथ दे रहे थे। पेशे से एडवोकेट है लेकिन लगातार इस तरह के अभियानों में साथ जुड़ते रहते हैं। जेपी जी, दो दिन पहले स्थिति कुछ और थी, आज स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। पहले पुलिस फोर्स एसएसबी की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको बुलाया गया था और आज जो तस्वीर और सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे देश के जो आईपीएस है, डिस्ट्रिक्ट जिले में एक डीसी होता है, एक एसपी होता है, वे स्वतंत्र आज़ाद होते हैं। अगर वो गुलामी सहेंगे राजनेताओं की तो हमारे देश का बर्बादी की तरफ जाएगा। तीन चार दिन से हमारे गरोंडा के जो विधायक हैं उनके दबाव में आकर मुख्यमंत्री ने यहाँ से 27-28 तारीख को हमारे को यहाँ से बंद कर दिया था, इनकार कर दिया था। उसके बाद पहले दिन 500 पुलिस वाले आए, उससे आगे 1000, फिर 2000, 3000 आए। तो हमने एसपीडीसी को मतलब तालमेल बनाने के लिए, शांति के लिए हमने रिक्वेस्ट करते रहे। पर आपके माध्यम से आज ये पूछना चाहते हैं, ये जो लोग किसान लोग आए हैं या आर पार की मूड में आए थे या आज टकराव के मूड में आए थे? क्योंकि कल शाम को हमने कह दिया था कि कल को आर पार होगा और रात को एसपीडीसी अपनी फोर्स लेकर के चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ एसपी साहब, डीसी साहब, आप जवान हो, आप अट्टे कट्टे हो, आप कल अपनी कलम से आप लोगों ने परीक्षा पास करके आप लोग आईपीएस बने हो, पर राजनेताओं की गुलामी क्यों? राजनेताओं की गुलामी क्यों? अगर गुलामी नहीं है तो फिर रहे क्यों नहीं? फोर्स यहाँ रहती ना, आज फोर्स यहाँ रहती, आज पता लग जाता फोर्स में दम है, किसानों में दम है। किसान को बैठने दोगे कि नहीं दोगे? तो ये नौटंकी राजनेता जो कराते हैं उससे हमारे आईपीएस की छवि धूमिल होती है। फिर आम आदमी सोचता है यार इसकी ये तो जो वो कहेंगे ना वही करेंगे। जेपी भाई, ये इंटरनेट बंद कर दिया, जब आपको इजाजत दे दी, सिंघू बॉर्डर पर सब कुछ चल रहा है, जहां जहां किसान बैठे थे धरने पे सब कुछ चल रहा है, ये एसएमएस बंद करना, इंटरनेट बंद करना, ये क्या बताता है? सर, ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी के लिए हमारे देश का शासक एक वो सैंपल तैयार कर रहा है। जैसे वो संसद बन रही है ना, नई संसद, दो साल बाद जो संसद बन रही है ना, वो संसद इमरजेंसी के लिए है, वो तानाशाही संसद है, वहाँ पाइले इकट्ठी
नहीं हो जाएगी। जो दो तीन दिन से ये इंटरनेट बंद हुआ है, इसमें ये देखा जा रहा है कि इंटरनेट बंद करने के बाद मतलब लोग उठते हैं, लोग जागते हैं या दब जाते हैं, और इस इंटरनेट बंद होने के बाद के दौरान ये अपने काले कारनामे करना चाहते हैं, ये कुछ ना कुछ काम गलत करना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने लाल किले पर कराया, जिस तरह से इन्होंने 27 तारीख को स्थानीय लोगों पर हमारे 28 तारीख को पत्थर मरवाए, तो ये इमरजेंसी लागू करने के लिए देश में एक सैंपल तैयार कर रहे हैं, और ये इमरजेंसी ही समझो भाई, ये इमरजेंसी चल रही है। आपको धमकी मिली थी उस मामले में, FIR दर्ज हुई, कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? हमने SPDC साहब से और SP साहब से दरखास्त दे दी थी, SP साहब ने 22 दिन का टाइम दिया है, और हमारे देश में वो जो धमकी आई है वो ऐप है, कोई 4 नंबरों की, उसका कोई यहाँ मशीनरी नहीं है दूध का, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसका कोई पता लग जाएगा क्या कैसे होगा। अगर ऐसी धमकी मुख्यमंत्री को किसी मंत्री को दी जाती तब भी पकड़ ना पाते हुए? अब यही तो सोचने की बात है, वो कहते हैं कि जो ऐप है उसका सिस्टम नहीं पता, इन नेताओं को धमकी दी जाती है तो इनका तो पर्दाफाश हो जाता है, ये आम आदमी का विश्वास उठता जा रहा है, ये हमारा भारत देश लोकतंत्र खतरे में है। रोज आना 10-10, 15-15 विदेश से फोन आ रहे हैं, वे रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रही है, वो कह रहे हैं भाई साहब क्या चल रहा है, अब क्या चलेगा। अब रात मोदी बोला ना, थोड़ा सा बोला, पर जो बोला हमारा किसान उससे उसका विश्वास खो, मतलब उससे डरने लग गया है। जी ने तो कल बुला लिया है कि बात करनी है तो दोबारा आ सकते हो। वो मंदारी है, वो RSS संस्था का एक आदमी है जिसका विदेशों में बैन है, वो ऐसी संस्था का आदमी है जो पुलिस की वर्दी पहन करके हमारे किसानों पर पत्थर बरसा रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं, तो हमारे किसानों का शासक से, हमारे शासक से विश्वास उठ गया है, उससे डरने लग गए हैं। ये क्या करते, क्या तो वो बोलता है और बोलने के बाद क्या वो करता है, उससे दूर हट रहे हैं, उसको कह दिया है, एक ही बात कह दे, अध्यादेश खत्म कर, हम लोग वहां से आएंगे। और नहीं बता दूं, वहां ऐसी नस्ल पड़ी है कि लाशें भी जाएंगी, ये नेता लोग, ये पुलिस वाले ट्रैलियों में लाशों को लेकर के घर पहुंचाएंगे, वहां ऐसे आदमी पड़े हैं, ऐसे आदमी है वहां पर 50,000 जो मतलब वहां मरने के लिए गए हुए हैं, अपनी कौम के लिए। हमारे साथ एक देखिए मुस्लिम समुदाय से ये भी आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। कहाँ से आप? मैं मुंडीगढ़ी गांव से हूँ। आप आज यहाँ पर पहुँचे समर्थन देने के लिए पहुँचे? मैं तो पिछले 2 महीने से बराबर जाना किसान परिवार को समर्थन दे रहा हूँ, और ये किसान है आप? ये हाँ बिल्कुल, मैं किसान परिवार से हूँ, और ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं, ये देश बचाने की लड़ाई है, ये फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है। ये मैं इस पूरे प्रदर्शन को और पूरे आंदोलन को अपने दिल से इसको जो समर्थन भी देता हूँ, और अपने आदरणीय किसान नेता का उनका धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने इस इंसान कौम को जगाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को बराबर कायम रखने का काम किया है। और उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो अभी 26 तारीख में एक प्रोपगंडे के तहत, एक बड़ी प्लानिंग के तहत जो है ना, एक दीप नाम के लड़के को जो है ना लाल किले के ऊपर जो प्राचीर से जो अपमान किया गया है, मैं आदरणीय केंद्र सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को, चाहे समाज में किसी भी मजहब के हों, किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी जो है ना बिरादरी के हों या किसी भी कौम के हों, ऐसे लोगों को जो भी देश का अपमान करता है उसको कानून के दायरे में सख्त सजा देने की मैं अपील करता हूँ। और वो न किसान हो सकता है, न किसान के परिवार से हो सकता है, न वो इंसानियत परिवार से हो सकता है, वो ऐसे लोग गद्दार हो सकते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर NSA लगाया जाए और कानून के दायरे में ज्यादा से ज्यादा सख्त दी जाए, सजा दी जाए, ऐसे मैं अपील करता हूं। जो हमारे नेता हैं ये हिंदू मुस्लिम पहले लड़वाते थे, आपने देखा इस देश के अंदर कई बार दंगे हुए, दो ही समुदायों के हुए, अब कहीं ना कहीं हिंदू और सिखों के बीच में भी ये खाई खोदने की तैयारी थी? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक कौम को बदनाम करने की साजिश थी, लेकिन वो उनका प्लान और उनका जो मिशन था वो इस इंसानियत ने और आदरणीय किसान नेताओं ने और आदरणीय किसान परिवार ने और पूरे देश ने ये साबित कर दिया कि ये देश हर बिरादरी का है, हर कौम का है, हर मजहब का है, और इस देश में बराबर की हिस्सेदारी, इसको आजाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने बराबरी का खून देकर इसको अपने खून से सींचा है। इसलिए ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने देश के साथ कभी भी गद्दारी की है, ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। आपके लिए समुदाय बड़ा है या देश बड़ा है? मेरे लिए देखिए,
आपने सवाल किया कि समुदाय बड़ा है या देश बड़ा है, मेरे लिए दोनों चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि इंसान की दो आंखें होती हैं, दोनों इंसान के लिए प्यारी होती है, पहले वतन अजीज है मेरे लिए, बाद में जो है ना मैं मुसलमान हो सकता हूँ जी। पहले देश है, देखिए दो बातें, हिंदू से भी मिलवाया, मुस्लिम से भी मिलवाया, और अब यहाँ पर सिख किसान है, यानी देखिए किसान का कोई धर्म नहीं है, किसान तो किसान है, धर्म तो सिर्फ नेताओं ने हमारे बीच में बनाए, ठप्पा कहीं से लगकर नहीं आया, पीके फिल्म में आपने भी देखा होगा। सरदार जी, हिंदुओं नाल गल हुई, मुसलमानों नाल गल हुई, तुम सिख है गयो, मैं तुम्हें पूछना चाहना की मैसेज देना चाहोगे जिहड़े ये साडे नेता ने, क्यों साडे विच खाई बना रहे ने, क्यों साडे विच इस तरह के डिफरेंसिस बना रहे ने कि असी एक दूसरे नू देख भी ना सकी, जिवें 26 तरीक नू करन दी कोशिश भी की गई, बुरा आदमी तो किसी भी समाज दे विच हो सकता है, किसी भी समुदाय दे विच हो सकता है। मैं ब्लाक प्रधान संत जोगिंदर सिंह झिंडा, मैं तुहाडे मैसेज दे राही इही कहना चाहना हां, जिहड़ा कि आर एस एस मोदी दी सरकार गलत नीतियां दे उत्तर आई है, इन्हां किसानां तो बिल्कुल सहन नहीं होगा। और तुसीं ये वेख लो जिवें लाल किले दे विच टाइम फिक्स किया गया है, तो उहदे विच इन्हां अपने गुंडे पहले कुछ वारे सन, कुछ पुलिस वाले नाल लैके जा के एडा वड्डा कारनामा करवाया, इन्हां अज जिन्हां ते केस होया झंडा चढ़ाने वाले दे, वह दो दिन का टाइम मंग रहा है, साफ साफ दिस रहा है कि जिहड़ा काम करा रहे ने बिल्कुल इस सरकार के इशारे से हो रहा है। तो जिहड़ा हुण किसान आंदे ने बजुर्ग आंदे हुंदे ने, एकरां जिहड़ा डिग पे सवार हो जाए डिग के फिर वह मार नहीं खांदा, ये अंदोलन ये साडे भरा डिग के सवार हो गए ने, ये बिल्कुल हुण अंदोलन शिखर तक जाएगा, तो अपने हक ले के रहेंगे। जिहड़ा कि इन्नियां गलत नीतियां, मैं कल भी सिंघू बार्डर से सा, यूपी वाले बार्डर से दोवे बार्डर से गए हाँ, देखो उतों के हालात वेखे ने, टकैत साहब न मिले हाँ असी, बाबा जी सन भूरी वाले उन्होंने मिले हाँ, वो बाबा जी कह लगे भी जे मान लो असी टकैत साहब के आंसू ना होंगे, साढ़े जो सरदार बच्चे बच्चिया सन वो पचास कु सन, उसे सिर्फ 50-60 के करीब होने बच्चे नौजवान साढ़िया भैन साढ़े बजुर्ग, बाबा जी आते ने जे मान लो टकैत साहब गिरफ्तार हो जाते जा छड़ के चले जाते, इन्हें 84 तो भी बुरा हाल कर देना सी, इन्हें साढ़िया भैन की पत्त लुटनी सी, साढ़िया सरदारां दीआं पग्गां लाणियां सन, ये मैंने जेडे टकैत साहब के दो आंसू सन वो दरिया बन गए, दरिया बन के अज देखो जिहड़ा टोल प्लाजा तुहाडा पछताड़े वाला, इत्थे हजारां लखां दी तहदार नाल ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਖਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਯੂਪੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਟੰਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। देखा कि किस तरह से जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी बात को कहते हो। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें इस समय आप करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से देख रहे हैं, तमाम जो आप देख सकते हैं किसान हैं एक बार फिर से यहाँ पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से जो किसान आंदोलन की जो ये कह सकते हैं कि मन के अंदर जलती हुई जो आग है वो एक बार फिर से शोला बनकर बाहर निकल आई। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।